ओवरलैपिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन मोर इफेक्टिव वे. ओवरलैपिंग एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन मोर इफेक्टिव वे एज कंपेयर टू ओवरलैपिंग एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन मोर इफेक्टिव वे एज कंपेयर टू वेस्पर्स थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. बट वट इज द मेन प्रॉब्लम इन ओवरलैपिंग कंसेप्ट. ओवरलैपिंग कंसेप्ट सेटिस्फैक्ट्री मतलब ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाता. बट इट डज नॉट गिव इट डज नॉट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री ज्योमेट्री एंड शेप्स. तो उन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया. देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा इंटरमिक्सिंग. हाइब्रिड का मतलब जिसमें कैरेक्टर्स एक से ज्यादा आ जाए. हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ ये ओवरलैपिंग ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. हाइब्रिडाइजेशन का इसको एक्सप्लेन करेंगे. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ अ It is the process of intermixing of pure atomic orbitals to give rise to the formation of new orbital having almost similar properties. जिनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की सबकी क्या होंगी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी बेटा. अब देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसे किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम. सिमिलर प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड number of hybrid orbitals formed is equal to the number of pure atomic orbitals combining. जितने pure atomic orbitals में intermixing होगी या combine होंगे इतने ही hybrid orbitals बनेंगे बेटा अपने पास. और जो hybrid orbitals बनेंगे जैसे हमने बोला उनकी properties similar होंगी. तो hybrid orbitals they are similar in their energy and shape. उनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सिमिलर होंगी. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप. देखो बेटा जैसे अपन 1s और 2p ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग कराएं तो 1s की एनर्जी अलग है और 2p की एनर्जी अलग है.
लेकिन उनमें इंटरमिक्सिंग हुई। इंटरमिक्सिंग होने के बाद एक एस और एक पी था, दोनों की एनर्जी अलग अलग थी। इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी और शेप वो बिल्कुल सेम होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मतलब दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स या प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कंसेप्ट बताएंगे अपन इसके अंदर। और फिर वो सेम जो वेस्पर्स थ्योरी का कंसेप्ट था कि उसमें बॉन्ड्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे जहाँ पर रिपल्शंस कम हो जाएं और अट्रैक्शंस मैक्सिमम हो जाएं, तो सेम वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे बेटा अपन। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इस तरीके से डायरेक्टेड होंगे खाली खुली जगह में कि जहाँ पे रिपल्शंस तो कम हो जाएं और अट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाएं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सच अ वे डायरेक्टेड इन स्पेस इन सच अ वे सच दैट रिपल्शंस कैन बी such that repulsions can be minimized repulsions minimize हो जाएं बेटा and attractions maximize हो जाएं, तो उनसे more stable molecule will be formed। ये कंसेप्ट यहाँ पे भी जनरलाइज कंसेप्ट है, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंडिकेट करेगी ज्योमेट्री को मॉलिक्यूल की कि किस टाइप की ज्योमेट्री होगी। हेंस वी कैन से क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस कौन सी ओरिएंटेशन है उनकी, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो उसके भी आप पे हम ज्योमेट्री पता लगाएंगे। तो वी कैन से that orientation of hybrid orbitals will decide the ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन होगी बेटा वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में भी डिसाइड करेगी। अब जो हाइब्रिडाइजेशन में, अब जैसे आपके पास ये पॉइंट आएगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओनली वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। Only valence shell orbitals will participate in hybridization. कि जो भी valence shell के अंदर जो orbitals होंगे वही hybridization में participate करेंगे और उन orbitals की almost same energy होनी चाहिए and they should have
ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, उनकी बेटा एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। अब इस एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑर्बिटल्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसके अंदर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का लो एनर्जी ऑर्बिटल से प्रमोशन करवाना पड़ेगा। बट ये जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जितने तुम चाहते हो इतने नहीं हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट करवाना पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज एसेंशियल। इफ If number of unpaired electrons required are not present, जितने electrons required हैं unpaired electrons अगर वो नहीं है then if number of unpaired electrons required are not present then इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल बट इट इज नॉट एसेंशियल ऑलवेज। बट इट इज़ नॉट एसेंशियल ऑलवेज, ये बेटा जरूरी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन हो या ना हो। ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर ऑफ सेम एटम, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके होंगे बेटा, ये सेम एटम के होंगे जिनके अंदर इंटरमिक्सिंग होगी। तो उसके अंदर इंटरमिक्सिंग से क्या हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग से जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उनके अंदर उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उनकी एनर्जी और शेप आइडेंटिकल हो जाएगी। तभी तो अपन नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं कि देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी। मान लो 5 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हो रही है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 5 बनेंगे, 2 में इंटरमिक्सिंग हुई। जैसे एक एस ऑर्बिटल है और एक पी, एस और पी के कैरेक्टर्स में इंटरमिक्सिंग हो तो एक एस है एक पी है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2, एक एस बन जाएगा एक पी बन जाएगा, समझ गए। ये सो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया एक एस एक पी से। यस सर, बोलो बेटा। उसके बाद यस सर नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन शेप एंड एनर्जी। देखो जब हाइब्रिडाइजेशन ही हो गई तो पहले तो मान लो एस ऑर्बिटल्स स्फेरिकल थे और S की एनर्जी कुछ और थी, P की एनर्जी कुछ और थी। अब दोनों को जब इंटरमिक्स कर दिया तो उनकी एनर्जी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एनर्जी दोनों की सेम हो जाएगी और शेप भी उनकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल होगी। जितने भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप आइडेंटिकल होगी बेटा। उसके बोलो एनी डाउट इन दिस पॉइंट, नेक्स्ट देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू प्योर एटोमिक ऑर्बिटल्स। ज़्यादा मोर इफेक्टिव होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्योर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में, जनरल पॉइंट है ये। तो फिर ये देखो उसका वेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को स्पेस में इस तरीके से करोगे अलाइन कि जहाँ पर रिपल्शन कम हो जाए और अट्रैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए तो मोर स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। यस सर, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन है वही बेटा शेप को डिसाइड करेगी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। फिर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये बोलोगे सर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो जो वैलेंस सेल में होंगे वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। देखो एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकती ना बेटा हाइब्रिडाइज, जैसे एक एस है एक पी है। अब जैसे मान लो एक ऑर्बिटल तो 1s है
और पी ऑर्बिटल है 7p, तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया ना, 1s और 7p में, तो उसकी वजह से उनमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो ये कंसेप्ट लगेगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। देखो इस कंसेप्ट को अभी अपन मॉलिक्यूल लेंगे जब समझाएंगे उसमें कि किस तरीके से अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कब प्रमोशन जरूरी है कब प्रमोशन जरूरी नहीं है। अब देखो एक अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस तरीके से, देखो ये एस ऑर्बिटल है और ये रेड से मार्क कर दिया हमने, ये पी ऑर्बिटल है बेटा जिसमें इंटरमिक्सिंग हुई। तो देखो दो में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो जो अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो हाइब्रिड को आप ना तो रेड से रिप्रेजेंट करेंगे ना ब्लैक से, तो मतलब दोनों का सिमिलर कैरेक्टर्स आ गए उसमें, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव, जो बड़ा लोब होगा उसका पॉजिटिव साइन आएगा, छोटे वाले का नेगेटिव, जो हाइब्रिड हुआ है बिगर लोब। बिगर लोब पॉजिटिव और जो स्मॉलर लोब होगा बेटा स्मॉलर लोब को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये जनरल कंसेप्ट बताएंगे इसके अंदर, ये इस तरीके से देखो इंटरमिक्स होगी, तो इसके कैरेक्टर्स जो है, इसके कैरेक्टर्स क्या हो गए अपने पास, मिक्स कैरेक्टर्स आ गए इसके अंदर। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, तो ये अपने पास था एस, ये पी, अब इसका नाम होगा SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसे कितने SP हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो, क्योंकि एक एस में मिक्स हुआ है एक पी में, तो जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी इतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन में, समटाइम्स समटाइम्स फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स में ऑल्सो पार्टिसिपेट। देखो ये है बेटा साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। फर्स्ट इज SP हाइब्रिडाइजेशन, देखो बेटा SP हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है आपको, तो SP हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल बेरिलियम के कोई भी कंपाउंड ले लो, BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड। तो BeH2 में देखो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी B इज 1s2 2s2। अब अभी अपन ने बोला कि ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो 2p भी होंगे, लेकिन 2p में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, जीरो। तो अब देखो अपने पास दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसके पास दो हाइड्रोजन एटम शेयर्ड हैं, तो मतलब दो बॉन्ड बनेंगे इसमें, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जितने बॉन्ड बनेंगे जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखो इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट होती है लीस्ट एनर्जी स्टेट, तो आउटर मोस्ट 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p खाली है। अब देखो एक जो कंडीशन थी कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा अपने को, मतलब यहां पे एसेंशियल है क्योंकि अपने को दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर पहले से ही अवेलेबल है तो एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल कराने पड़ेंगे। अवेलेबल कराने के लिए ये जो बन गई इसकी 1 2, दिस इज एक्साइटेड स्टेट,
अब देखो बेटा इंटरमिक्स, ये 1 2 एक ही आएगा बेटा इसमें। अब इंटरमिक्सिंग इतने ऑर्बिटल्स में होगी जितने ऑर्बिटल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, कितने भी ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी जितने यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक और दो। तो ये इंटरमिक्सिंग के लिए 1s और 1p ऑर्बिटल में इंटरमिक्सिंग होगी बेटा। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, sp। अब दो, एक s में मिक्सिंग हुई है और एक p में, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे अपने पास। अब दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनाएंगे हम, और अपने आप को वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे अलाइन करेंगे जहाँ पे रिपल्शंस तो कम हो जाएं और अट्रैक्शंस मैक्सिमम हो जाएं। तो देखो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए बेटा अपने पास। अब देखो दोनों में, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 1 1 इलेक्ट्रॉन है इन ईच, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अब देखो बेटा इनके बगल में कौन बनाना है, साइड एटम कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन है 1s1। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स आर स्पेरिकल इन शेप, तो 1 ऑर्बिटल हाइड्रोजन का इससे शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इसमें। दिस इज फॉर हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन एटम का और ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो इसके अंदर शेप कैसी होगी, लीनियर शेप होगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन सबसे कम होंगे और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होंगे। तो और इसके अंदर जो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ देखो ये बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ये बात को एक्सप्लेन करती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ये इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हो गया यू, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। नेक्स्ट इज BF2। तो BF2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम हुई, तो बेरिलियम की जो कॉन्फिगरेशन है आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन होगी 2s2। तो अपने पास यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2s2 2p0। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक भी नहीं है बेटा अपने को, और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने, दो। तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा तभी अपने पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो ये एक अनपेड और ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन अपनी किस किस के बीच में होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो कितने बॉन्ड, ये जितने बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर है, तो कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, दो बॉन्ड। तो इन दो में हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो कौन सी होगी हाइब्रिडाइजेशन, सेम अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बेटा इस sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s और एक p में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो अपने पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो, और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे जहाँ पर रिपल्शंस कम हो और अट्रैक्शंस ज़्यादा हो, मतलब बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे बेटा दोनों। देखो बिल्कुल आमने सामने हो के दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, 1 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। अब देखो इसके बगल में जो साइड एटम है, साइड एटम अपना क्या है, ये तो इसकी लीनियर शेप हो जाएगी। साइड एटम है अपना इसके अंदर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन लिखेंगे बेटा। देखो अपन फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट होगी 2s2 2p5। अब देखो s तो फुल भरा हुआ है, अब 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है। अब p ऑर्बिटल्स किस शेप के होते हैं, डंबल शेप के। तो डंबल इंटरन्यूक्लियर, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये px py और pz। अब ये जो pz ऑर्बिटल्स हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, इनमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी और कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, और ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा बेटा। ये अपने पास हो गया 2pz, दिस इज 2pz ऑफ फ्लोरीन। अब देखो ये दूसरा 2pz हो गया फ्लोरीन के एटम का, दिस इज 2pz, और इनमें शेयरिंग से एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। देखो ऊपर वाले में हमने हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का स्पेरिकल ऑर्बिटल था, तो स्पेरिकल था तो इसलिए उसको सेम साइन से रिप्रेजेंट किया था ये राउंड सर्किल में। अब यहाँ पे साइन को अगर लगाना हो तो ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में ओवरलैप होगी, ये पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होगा। अब इन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये पॉजिटिव बेटा और ये भी पॉजिटिव। अब देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये इनमें जो स्मॉलर लोब्स हैं, स्मॉलर लोब्स को हमने कहा था नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये
साइड एटम का ये ऑर्बिटल है, इधर इसमें आ गया नेगेटिव और यहाँ भी क्या आ जाएगा इसमें नेगेटिव, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। समझ गया बेटा? यस सर। अब देखो मान लो यहाँ पे तुम्हारे को BCl2 बनाना होता, तो BCl2 के लिए ये जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम रहेगा, और यहाँ पे 2pZ की जगह क्या आ जाएगा बेटा इसमें 3pZ आ जाएगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो इसमें ये मत सोचो बेटा यहाँ पे p ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स भी होंगे। जैसे फ्लोरीन के ये बोलोगे सर दो ऑर्बिटल्स कहाँ गए, तो ये फ्लोरीन के दो ऑर्बिटल्स यहीं पे ही रहेंगे, वो हम उनको शो नहीं करते बस, क्योंकि वो फुली फिल्ड है, उनकी जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो अपन जैसे एल्काइन का बनाते हैं इथाइन C2H2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है बेटा अपने को। देखो बेटा C2H2 में सेंट्रल एटम इज कार्बन, तो कार्बन की कॉन्फिगरेशन लिख लो सबसे पहले अपने पास। कार्बन की कॉन्फिगरेशन होगी 2s2 2p2, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन फॉर कार्बन इज 2s2 2p2 बेटा। अब देखो 2s2 2p2 में यहाँ पे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो तो C2H2 का लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो C CHH ये बनता है। देखो एक कार्बन एटम के ऊपर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है बेटा। तो अपने को टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिएंगे, 4। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो जो अपनी बात थी कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करना पड़ेगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा क्योंकि अपने को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के बाद वी विल गेट 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी जितने सिग्मा बॉन्ड बनने, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां पे, देखो 1 और 2 एक कार्बन एटम के ऊपर, तो एक कार्बन एटम के ऊपर अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहां पे sp। अब देखो इसमें ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए इसके ऊपर, तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं देखो इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स से हम ये कार्बन के लिए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन एक एक पर्टिकुलर कार्बन के लिए बना रहे हैं हम, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया बेटा एक कार्बन का, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया अपने पास दूसरे कार्बन का। अब देखो दोनों में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम का इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बेटा, और ये इस दूसरे कार्बन के ऊपर एक उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसका साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन होगी 1s1। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा बेटा हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब देखो इसके पास दो ऑर्बिटल्स ये जो बने थे, ये हम नीचे जो रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं इक्वल से, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, दीज टू आर These two are unhybrid orbital. अब ये unhybrid orbitals डम्बल शेप के होते हैं, तो ये डम्बल शेप के बेटा हमने ये ऑर्बिटल्स बना लिए। देखो यहाँ पे इसको मान लिया हमने px और ये हो गया अपने पास px दूसरे कार्बन एटम का। उसके बाद ये अपने पास हो गया py, ये हो गया बेटा py, ग्रीन से जो मार्क किया है वो py ऑर्बिटल हो गया। अब देखो px और py ऑर्बिटल में 1-1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें, डाउन स्पिन से शो कर दो इसको। अब देखो जो ऊपर वाला
पीएक्स बनाया था, पीएक्स में ये एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन और ये एक इलेक्ट्रॉन को डाउन स्पिन। अब देखो बेटा, इसमें ऑक्टेट कार्बन का इनकम्प्लीट है। देखो कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहे इस सिग्मा बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, तो टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स हुए और एक एक अनपेड, तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका ऑक्टेट स्टिल इनकम्प्लीट है, तो इनके अंदर कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी, यहां से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इसमें, और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से इनके बीच में ये क्या बन गया बेटा, पाई बॉन्ड। अब देखो उसके बाद सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन हुए पाई बॉन्ड बनने से, अब इसके बीच में भी कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी नीचे वालों के बीच में, और इससे भी क्या बन जाएगा ये एक पाई बॉन्ड, तो ये इसकी लीनियर शेप होगी और 180 डिग्री एंगल होगा। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इथाइन। समझ में आया बेटा? और अगर इसमें कोई डाउट भी है तो ये वी विल डिस्कस अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।